और आई तुर्जा भवानी से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आशीर्वाद शक्तिशाली भारत के लिए, आशीर्वाद विकसित भारत बनाने के लिए। आपका यह आशीर्वाद ही आज पूरे देश की गारंटी बन गया है। फिर एक बार भाइयों और बहनों, ये चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। आपने 10 साल पहले का समय देखा है, आप आज का भी समय देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है, जिसका चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचा, जो भारत एक साथ 100 सैटेलाइट भेजता है, वो भारत जो गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भारत जिसने अपनी मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई, वो भारत जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई, वो भारत जो बड़े से बड़े युद्ध से भी, गोलाबारी के बीच से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल करके लाता है। क्या भाइयों बहनों, पहले ऐसा कभी होता था? नहीं, आप तो बताएं तो पता चले, पहले ऐसा कभी होता था? पहले आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, दुनिया भर में जाकर कहती थी बचाओ बचाओ बचाओ। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी, अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है? क्या कमजोर सरकार मजबूत देश बना सकती है? क्या कमजोर सरकार मजबूत देश बना सकती है? जिसका खुद का ठिकाना ना हो कि न जाने कब गिर जाएगी, वो कांग्रेस सरकार भारत को नई ऊंचाई दे सकती है? भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, विश्वासघात विश्वासघात विश्वासघात।
मराठवाड़ा की इस धरती को भी कांग्रेस ने एक ही चीज दी है, विश्वासघात, विश्वासघात और विश्वासघात। कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही, लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा पाई। आप मुझे बताइए, मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड परियोजना को किसने रोका था? ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप यहां के लोग हैं। किसने रोका था? किसने रोका था? जलयुक्त शिवार योजना को किसने रोका था? जिन्होंने आपका पानी रोका, आप उनको वोट देंगे क्या? साथियों, ये मोदी है, मोदी समस्याएं टालता नहीं, मोदी समस्या से टकराता है। हर घर पानी पहुंचाना, हर खेत पानी पहुंचाना, ये मोदी का मिशन है। और अभी तो मोदी को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, 10 साल में पानी के लिए जितना काम मोदी ने किया है, उतना कांग्रेस अपने 60 साल में नहीं कर पाई। आप देखिए, सिर्फ 5 साल में, ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 साल में, 5 साल में मोदी ने महाराष्ट्र के 75 लाख से ज्यादा घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। मोदी ने हर खेत तक पानी लाने का बीड़ा उठाया हुआ है। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 26 सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटका कर रखी थी, अब कांग्रेस के नेताओं के बंगले में, इंडी अगाड़ी वालों के बंगले में तो पानी आता था, वो आपकी चिंता क्यों करते? इसलिए उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस ने जिन सिंचाई योजनाओं को दशकों तक अधूरा रहने दिया, उन्हें अब मोदी पूरा कर रहा है। इसके अलावा भी मोदी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवा रहा है। ये हमारे साथी एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, किसानों से विश्वासघात का कांग्रेस का एक और तरीका रहा है, ये तरीका है झूठे पैकेज देने का। इस पैकेज का लाभ असली किसान तक पहुंचता ही नहीं है। फिर ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। और मोदी ने ये खेल भी बंद करवा दिया। आप सबको पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पता है, इससे 3 लाख करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले। यहां धाराशिव के किसानों के खाते में भी 800 करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने भेजे हैं। और आप मुझे बताइए, 800 करोड़ रुपया आया, एक नए पैसे की चोरी की शिकायत आई है क्या? एक नया पैसा चोरी हुआ है क्या? साथियों, कांग्रेस की सरकार थी
तो किसानों के हिस्से की खाद भी, फर्टिलाइजर भी लूट जाती थी, केमिकल की फैक्ट्रियों में चली जाती थी। किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। लेकिन 10 सालों में किसानों को हमने यूरिया की कमी नहीं आने दी। पिछले साल ही हमने खाद पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी है। यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की पड़ती है, वो आपको मोदी 300 रुपए से भी कम कीमत पे दे देता है। और मोदी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है, आपने नैनो यूरिया और नैनो डैप के बारे में भी सुना होगा। हमारे वैज्ञानिक एक बोरी खोद खाद की एक बोरी यूरिया की ताकत अब एक बोतल में ले आए हैं। जो काम एक बोरी यूरिया करता है, एक बोतल नैनो यूरिया करता है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। साथियों, अब सूखा हो, ओलावृष्टि हो, बारिश हो, हमारे किसानों पर मौसम की तरह तरह से जो मार पड़ती रही है, पहले ऐसे किसानों को 100 तरह की मुश्किलें आती थी। ऐसे किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से बहुत बड़ी मदद मिली है। उन्हें बहुत मामूली प्रीमियम के बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। साथियों, आज कांग्रेस के लोग, इंडी अगाड़ी के लोग किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज जरा मैं इनका कच्चा चिट्ठा भी खोलना चाहता हूं। ये हमारे सोयाबीन किसानों से कहूंगा, जरा सोयाबीन के किसान मेरी बात ध्यान से सुने। 2014 से पहले 10 सालों में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का दलहन तिलहन कांग्रेस सरकार ने खरीदा, जबकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कितनी खरीद की, हमने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दलहन तिलहन किसानों को एमएसपी के रूप में पहुंचाए हैं। यानी एनडीए ने दलहन तिलहन के किसानों को कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा दिया है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ये तो अभी ट्रेलर है। अब मोदी का मिशन देश को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने का है। आपको पता है ना, दाल और तेल खरीदने के लिए हर साल हमारा देश हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं। मोदी ने ठान लिया है कि वो पैसा विदेश नहीं जाएगा, मेरे किसान की जेब में जाएगा। और इसलिए हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथियों, ये हमारा महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है।
एनडीए सरकार खेती में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 10 साल में 8000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमने एक और बड़ा काम किया है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना बनाई है। इसके तहत देश में हजारों गोदाम बनाए गए हैं और जिसका जिम्मा भी सहकारी संस्थाओं को दिया है। साथियों, इस क्षेत्र में ज्वार की पैदावार होती है। मोदी ने इस मोटे अनाज यानी मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से पहचान बनाई है। मोदी ने संकल्प लिया है, आपका जो ये श्री अन्न है उसे दुनिया के कोने कोने में डाइनिंग टेबल पर पहुंचाऊंगा। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये हमारे छोटे किसानों को मिलेगा जो ज्वार पैदा करते हैं। आपको खुशी होगी भाई, जब काम करते हैं तो प्रभाव कैसा होता है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारंभ किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। लेकिन मजा इस बात की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने उस रात को भोजन में सबके टेबल पर ये हमारा श्री अन्न, हमारा मिलेट परोसा था सबको। ये सुपर फूड के रूप में आज दुनिया में जानने लगाए लोग। साथियों, मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए। आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे। और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? साथियों, आज पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एससी एसटी ओबीसी, सबसे ज्यादा एमएलसी बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी एनडीए के,
अब उनको लगा ये भी चले गए। ये आज इसलिए दलित आदिवासी पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। इनका चुनाव में लड़ने के ये जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले, ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। साथियों, कांग्रेस की एक और चाल से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की नजर अब आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ गई है। आप मुझे, आपको सबको मालूम है, हमारे देश में हर मां बाप जीवन भर मेहनत करके कमा करके बचाने का प्रयास करता है। छोटी आय वाला भी मां बाप होगा ना, वो भी कुछ बचाने की कोशिश करता है। उसके मन में एक ही बात रहती है कि मरने के बाद संतानों को कुछ देकर के जाना है। अब कांग्रेस पार्टी ने ये मन बना लिया है और उनके एक फिलोसोफर ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो ऐसा कर लगाएंगे, ऐसा कर लगाएंगे, ऐसा टैक्स लगाएंगे कि अब आप जो कमाया हुआ धन है, आपके पास जो स्त्रीधन पड़ा हुआ है, जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, अब वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। आधे से ऊपर ये कांग्रेस की सरकार मार लेगी, एक्सरे करेंगे, बोले एक्सरे करेंगे। मोदी 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दे चुका है, मोदी ने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है, मोदी स्वामित्व योजना से, जमीन से कानूनी दस्तावेज दे रहा है ताकि आपकी संतान संपत्ति के झगड़ों में न डूबे, परेशानी न हो, वो मालिक के हक उसका बन जाए। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि वो आपके घर और जमीनों पर छापा मारकर उसका आधा हिस्सा आपसे छीन करके अपनी वोट बैंक को बांट देंगे। और कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। यहां जो रैली में हमारी माताएं बहनें आई है, वो भी सुन ले, कांग्रेस महिलाओं के गहने, मंगलसूत्र छीनने की तैयारी करके बैठी हुई है। क्या यहां बैठी हुई मेरी माताएं बहनें ऐसी कांग्रेस को कभी स्वीकार कर सकती है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस वो पार्टी है जिसे भारत की विरासत से भी समस्या है। आज 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया,
आज पूरी दुनिया से राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी ने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। ऐसे लोग क्या आपके वोट के हकदार है क्या? साथियों, एनडीए सरकार भारत की विरासत को पूरी शान से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी है। यहां मां तुलजा भवानी के मंदिर के विकास के लिए महायुति की सरकार पूरी भक्ति भाव से काम कर रही है। ये मंदिर संभाजीनगर सोलापुर हाईवे से जुड़ चुका है। तुलजा भवानी के मंदिर को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। यहां लातूर से टेम्बुणी के बीच भी महामार्ग बनाया जा रहा है। सोलापुर तुलजापुर धाराशिव का रेल मार्ग भी जल्दी पूरा हो जाएगा और इससे आपका शहर बहुत बड़ा जंक्शन हो जाएगा। साथियों, एक जमाना था जब धाराशिव से सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, आज ये संख्या दो दर्जन तक पहुंच चुकी है। लातूर की रेल कोच फैक्ट्री हो या फिर टेक्सटाइल पार्क, इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। साथियों, ऐसे हर काम तेज गति से हो और जल्दी से जल्दी उसके फल आपको मिले, इसके लिए 7 मई को भारी संख्या में बहन अर्चना पाटिल जी के पक्ष में मतदान करना है। बहन अर्चना पाटिल जी के पक्ष में मतदान करना है और जब आप बहन अर्चना जी को वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।